घर में भी कभी किसी चीज का आग्रह जो दिया सो जिद करना या मचलना स्वभाव में नहीं था, क्योंकि जिद्दी बच्चा अच्छा नहीं माना जाता, उसका भविष्य धूमिल हो जाता है। इसलिए माँ बाप शुरू से ही कहते, देखो बेटे अपने को जिद्दी कभी नहीं करना। जो बच्चा जिद्दी नहीं करता वो बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, तो यहाँ पर विद्या कैसे थे बचपन से? जिद नहीं करना, जितना दिया जो दिया वो ले लेना, जिद करना या मचलना स्वभाव में नहीं था विद्या का। छोड़ घर का हर कार्य देव शास्त्र गुरु को महत्व देना यही माना था आद्य। सबसे अच्छा लगने वाला खेल गिल्ली डंडा, खेलते खेलते गिल्ली चली गई, उठाने गए तो देखा मुनि महाबल जी हैं, भूल कर गिल्ली झटकिया, श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ कर इतने अच्छे से नमन कर रहे हैं, देखिएगा श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ कर अभिवादन, मनमोहक आकर्षक सुंदर सुंदर सा देख आनंद, आनंद यानी चेहरा, बच्चे का इतना मनमोहक और आकर्षक सुंदर चेहरा देख पूछ लिया, संत भगवंत ने धर्म के विषय में याद है कुछ? क्या धर्म के विषय में कुछ याद है? प्रसन्न हो सुना दिया कुछ? भक्ता मर्व तीर्थंकर के अब याद कर लेना मोक्ष शास्त्र। जब शादी के लिए देखने को आते तो पूछते कब आते हो, कैसा नेचर है तुम्हारा, ये सारी चीजें देखते हैं ना, घर बार देखते हैं, तो गुरु भी देखते हैं। क्या देखते हैं? तुम्हारे अंदर में धर्म के संस्कार हैं या नहीं, पूछ लिया और बिल्कुल तोते की भांति सुना दिया और कह भी दिया कि अब याद कर लेना मोक्ष शास्त्र सहस्र नाम, कह कर रखा शीश पर संत चरण में सबका एक सा है, शून्य बचना है, चाहे छोटे
संख्या होता है उसमें से उतना घटाएंगे तो अंत में तो जीरो ही बचने वाला है। तो फिर एक छोटा एक बड़ा एक अमीर एक गरीब क्यों, अंत में तो सबके शरीर की एक जैसी रात होता है। अमीर है तो उसकी रात में कुछ विशेष चमक रहेगी क्या? नहीं। एक रात में भजन है बहुत प्यारा, अंतों काया तारी राख रे कवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जिंदगी जवानी अजमती रे वानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। मतलब जो जे देखना तेरी जिंदगी जवानी यानी चली जाएगी, और अंत में काया तो तेरी राख रे कवानी हमारे सामने रहेगी तो हम कोई पाप नहीं कर पाएंगे। पता है कि मृत्यु तो आना ही है और अंत समय में तो वैसे भी सब कुछ उगल ही देता है इंसान कि हाँ ये भी किया था वो भी किया था, भरोसा नहीं है। बहुत अच्छी बात, तेरी एक छोटा सा प्रश्न लेकिन इतना बड़ा रूप ले लेता है माँ श्रीमती के आगे कि जो अंत सबका एक सा है, शून्य ही शून्य बचना है, तेरे की राख होना ही होना है। तो इस सत्य से अनजान क्यों, स्वयं से बेभान क्यों? बेटे के सवाल से समाधान खोजती खोजती रात यूं ही हो गया नया सुप्रभात। होने वाला है देखते हैं 15 अगस्त का देश की आजादी का, तैयार होकर सभी दर्शन करके भी एक उत्साह के साथ जाने लगे। जाते जाते दूर से भरा गिलास थमा दिया, पर हाथ फेरती रही मन ही मन, ऐसे ही क्षीर से धवल परिणाम रहे सदा, जैसे धवल परिणाम हो। आज के बच्चे छोटे छोटे बच्चे 6 महीने का बच्चा दूध नहीं पीता, उसको चाय चाहिए, एक बार चटा दिया उसको फिर तो दूध पीता ही नहीं। एक माँ आई थी हमारे पास में, वो कहती है 6 महीने का बच्चा दूध देता ही नहीं है, निकाल देता है वो चाय पिलाओ तो बच्चा घट ही जाता है, गिलास से पी जाएगा। क्या है तो चाय जैसा ही परिणाम होगा उसका, हाँ दूध जैसा धवल नहीं होगा। यह माँ थी और वो भी गाय का दूध पीते थे, पहले ही हम पढ़ करके आ गए हैं। समा दिया हाथ में पीठ पर हाथ फेरती रही मन ही मन, कहती रही कि ऐसे ही शीर से धवल परिणाम रहे सदा, उज्जवल भविष्य हो। कुछ ही मिनटों में विद्यालय के प्रांगण में पहुंचते ही देखा कि ध्वज फहर नहीं वाला है, किंतु यह क्या अनेक प्रयास करने पर भी गांव, इसीलिए पुष्प वृष्टि आंखें नहीं खुलेगी तो पुष्प वृष्टि कहाँ से होगी। सब लोग चिंतित थे, इधर गिरी अपने अपूर्व चिंतन में कि जब तक खुलेगी नहीं और संयम की गांठ फहराएगी नहीं संयम की, ना ही हो पाएगी आनंद की। जब तक खुलेगी नहीं और संयम की गांठ फहराएगी नहीं संयम की सजा, ना ही हो पाएगी आनंद की, तुझे फहराना है निश्चित एक दिन अर्थ जा, जो लहरा कर देगा परमात्मा को मेरा संदेश, विद्याधर तो भूमि एक दिन पहुंचाऊंगा एक ही समय में सिद्धों के देश पहुंच जाऊंगा, धर्म ध्वजा को फहराऊंगा, परमात्मा को मेरा संदेश मिल जाएगा। सीढ़ी पर बैठे कल्पना रूप में कर रहे थे विचरण, कहाँ बैठे बैठे सीढ़ी पर बैठे एक कल्पना रूप में विचरण कर रहे थे कि बीच में ही मित्र मारुति ने जो खास थे तभी तो परम खास, जो खास थे तभी तो परम सखा थे, कहा कंधे पर रखा, क्या सोच रहे हो
कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग बातें करते रहते हो और आप गहरी सोच में चले जाते हो, एक तो कैसे देखते रह जाते हो, क्या हो रहा पता ही नहीं चलता। इतनी गहरी कल्पना रूप में पहुंच गए, कहा कंधे पर रखा, क्या सोच रहे हो। अब ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, आगे सफल होने तक साधना गुप्त रखना। जब तक सफल नहीं होते तब तक हमें अपनी साधना को गुप्त रखना चाहिए। गंतव्य पाने तक नित्य सजग, जब तक गंतव्य नहीं मिलता है हमें सजग रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी दिक्कत आ जाए। फिर से एक बार, सफल होने तक साधना गुप्त रखना चाहिए और गंतव्य पाने तक नित्य
बहू से दाल चावल बिना रोटी खाएगी तो दे मित्रों को साथ पहुंचे 3 किलोमीटर। अभी भी अपन जब बिहार करके जाते तो सबसे पहले चिंता पार्टी आज तो मैं भी दूंगा।
विवेक मन ही मन सोचने लगी, वह तुम्हें मैं क्या दूं संस्कार, पूर्व से ही आए हो होकर कितना कहना पड़ता है, उठ जा दर्शन चले जा, गुरु महाराज आ रहे हैं आहार दे, लेकिन वो तो जागना ही नहीं चाहता। धन्य है यह बालक, दक्षिण भारत की परंपरा अनुसार आज किया जाना है मुंजी बंधन, वर्ष से हो अधिक उम्र वाला बालक करे उस दिन उपवास, बाल बुढ़ाकर रखे चोटी, सात दिनों से भिक्षा मांगे पहले सभे सूत्र जिसे कहते हैं ने मना लिया बड़े भाई महावीर को, किंतु पिता ने नहीं की स्वीकृति। जरा बड़े हो जाओ, बहुत छोटे हो, जरा बड़े हो जाओ, डांट लगाई दोनों को। बोले तोता बड़े तो हो गए, बड़े तो हो गए, जाने दो ना अन्ना जी, बने तो हो गए ना, कहेगा लिपट गए पिता से, कहेगा लिपट गए पिता से, रोने के अंदाज में सुबकने लगे, किसी तरह यूं मनाने लगे। बड़ों को मनाना तो कोई तुमसे सीखे, बेचारी समझ गए इनकी चाल, थी बोले तीव्र स्वर में फटकारते हुए, कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं स्वयं करा दूंगा बाद में यह संस्कार, घर में बैठो, आखिर धर्म भावना को बड़े पैर अकेले घर से बुलाए, बालकों की भीड़ में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठ गए। बैठना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, जब कभी जाते अग्रिम पंक्ति में बैठते, और सीखा नहीं कि वो अग्रिम पंक्ति में ही बैठते, सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठ गए। आचार्य शिव जी की खोज रहे थे नयन, कौन से आचार्य थे, किसी विशेष भव्यात्मा को आचार्य शिव जी की खोज रहे थे नयन, कवि सुंदर और वर्ण कमल से नयन, अरुण अधर सुगठित मन, देख विद्याधर को पंडित जी ने तीन दड़ वाला चमकता स्वर्ण का पहनाया जनेऊ, दूर से देख यह दृश्य बल्लभा जी आकाश को आंचल में बांधा जिंदी हटी है यह विद्या, यह किसी के रोगे साधना पद का एक और पायदान मिल गया, गुरु कृपा से संयम पद का एक और सोपान चढ़ गया। माता जी सबको सोने की पहनाए होंगे, बहुत चिंता हो रही है, बहन को बहुत चिंता हो रही है, बालिकाओं को नहीं पहनाते। एक और सोपान कन्या दिन भर प्रसन्नता से गुजर गया, फिर आई थी अनेक नैनों में ललाई छिड़क कर बोली, माँ दिन भर करते हो धर्म की चर्चा कर ले परीक्षा, किया ही आज अपना पाठ, नम्र भावों से देखते रहे एक तक माँ को, जैसे कह रहे हो विश्वास नहीं मुझ पर तुमको, सारा पाठ बिना देखे सुंदर माँ का मन, शाम को प्रभु दर्शन कर हर रात अपने भाई बहनों को सुना दे धर्म की बात, सुनी दे कंठ से गाते सुनी, छोटों को भी बड़ों की तरह करते, कुछ नहीं करते अनुचित, ज्ञात हुआ ज्ञान धारा को कि सभी भाई बहनों का नाम किसी घटना विशेष या पौराणिक पुरुषों के नाम पर ही, जैसे प्रभु महावीर की स्मृति में, विद्या सागर की स्मृति में, शांत भाव से पढ़ने में खेलती रहती सो, जन्म लेते ही स्वर्ण खरीदा सो, अनंत चतुर्दशी के पूर्व जन्मे बचपन से ही शांत और सुकुमार, झूले से गिरने पर भी हंसता रहता बहला, इसीलिए नाम रखा था चाहे बड़ा भाई महावीर हो या चाहे बड़ा भाई
महावीर हो या छोटी बहन शांता सुवर्णा हो अनंतनाथ हो या शांति नाथ हो व्यवहार ही ऐसा करते विद्याधर कि हो गए सबके चहेते। आत्मशक्ति और जड़ कुंजी का नहीं करते अपव्यय, बिल्कुल भी अपव्यय नहीं होने देते। एक साथ पढ़ते दो तीन विद्यार्थी बीच में रख लेते एक एक दिया, लो के उद्विग्न होने पर लगा देते शीतल नारियल का, उद्विग्न लो शांत होती हूँ ऐसे थे। विद्यालय से आज तो लोग कहेंगे बड़ा कंजूस है। हाँ, लेकिन ये कंजूस ही नहीं है, बेचक बेचता है। विद्यालय से अवकाश मिलते ही मुनि अनंत चतुर्थी जी के सनों में पीछे बैठकर पाठ मिलाते साथ साथ उच्चारण करते पाठ सूत्र सरस काम कर लिया स्मरण साइकिल से घूमने मेरे पीछे खेलते तो कभी पेड़ पर चढ़ते तीन की ढाल से सरपट सरकते। आप लोगों को भी याद आ रही थी कभी पेड़ पर चढ़ते तीन की ढाल से सरपट सरकते केरम और शतरंज के तो माने जाते। चित्रकला की रुचि का कहना ही क्या, देखते ही देखते चित्र बना लेते। आज तो हट कर बैठे कलर पेंसिल ही बोले मतलब बाजी पहले कोई बनाकर दिखा दो चित्र। कागज पर चंद पदों में शिवाजी का उतार दिया मल्लप्पा जी चुपचाप चंद के बाजार लाकर हाथ में पेंसिल खुशी से उछले तो गिर गए नीचे। कृष्ण लोहे का टुकड़ा घुस गया काले की घाटी निकालते ही बह गई खून की धारा। देख रे इतना स्वयं रोपड़ी श्रीमती बिताया ले निज हाथ का सहारा। रात भर थक थकाती रही कभी देव की पैर की ओर तो कभी चेहरा पैर की होते ही एक दिन सुन अच्छा है ध्यान से सुनेंगे। एक दिन सुन शहनाई की धुन, एक दिन सुन शहनाई की धुन देखा पड़ोस में हो रहा गौर से सुना पंडित जी गिना रहे थे चारने लगे कि एक दूसरे से जोड़ने नाता वचन देना, एक दूसरे से जोड़ने नाता वचन देना पड़ता है। मन से कौन इसे निभाता संसार का जूठा नाता है। मन से कौन इसे निभाता संसार का जूठा नाता है। अचानक क्या सोचा पहुंचे मंदिर प्रभु के पास साथ जोड़ कहने लगे मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ इसके लिए सात वर मांग कर खुद ही पंडित बने खुद ही बात सब कुछ सब गई। मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ इसके लिए सात वर मांगना चाहता हूँ। सात वर कौन से थे लिखेगा निजात्मा को जान अजीब से कर भेद ज्ञान आश्रम को दूर कर वंश से संबंध तोड़ कर चारों वंश को कर्मों का दुष्ट कर्मों को धीरे धीरे छे हो गए सत्ता से कर सको कर्मों का जो भावों की भाषा में कहते गए श्रद्धा की आंखों से लगते रहे प्रभु प्रभु माँ ने समझाया है कि पर के ग्रहण से पामरता न पर का ग्रहण करोगे पामरता आएगी परम की शरण से पामरता और स्वयं के वरण से आती है पामरता। इसीलिए आया हूँ आज आपकी शरण पूरे हो ये साथो वचन जो ही दर्शन कर मुड़े देखी मित्रों की टोली जो ही दर्शन कर मुड़े जो देखी मित्रों की टोली पकड़ हाथ यूं बोली मित्रों की टोली क्या बोली चलो चलो सर्कस आया है। अब जो जैसे वैसे तो कहेंगे ना चलो चलो सर्कस आया है आए अब बड़ा मजा तुम्हारा वहां किसने खोया है। अनुत्तर यानी बिना उत्तर दे ही चल दिए साथियों के तार पर चलना बहुत पसंद आया तार पर चलना बहुत पसंद आया मन विचारों से भर आया इस पर घोड़ा भी तो जा सकता है इसके ऊपर इस पर घोड़ा भी तो जा सकता है
घर को सावधानी, संतुलित हो मन, करे नहीं मनमानी तो कार के